आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में ये डाई इनोन का मैं बता रही थी आप लोगों को, उसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं इस तरीके से आइसोमराइज्ड फॉर्म में निकलता है। ये आपका मैंने आपको पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में बताया था कि क्या होता है, और सेकेंड केस इसका था जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में है। तो अभी सेकेंड केस जो है इसका डिस्कस नहीं किया था हम लोगों ने। हम लोग अभी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन कैसे हो रहा है वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इतना मैकेनिज्म तो मैंने समझाया था आप लोगों को कैसे ये चीज फॉर्म हो रहा है, फाइव मेंबर रिंग। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे आपका। लाइट के प्रेजेंस से पहले सिंगलेट स्टेट में एक्साइटेशन होता है, उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है और वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इस ये जो आपका रेडिकल है ये इस तरीके से आइसोमराइज कर जाएगा, और फर्दर ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे बॉन्डिंग बना ले रहा है और इस तरीके से डाई रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें पाई स्टार टू एन डिमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उससे क्या होता है, ओ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और सेकेंड रेडिकल जो आपका है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इतना ये इतना बताया था। इसके बाद आपका इस तरीके से चार्जेस की शिफ्टिंग होती है और ये आपका रिंग यहाँ से खुल के इसमें जाके जुड़ जाता है, तो इस तरीके से ये फाइव मेंबर आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे, और हमने ये भी कहा था कि इसमें आपका एक ये इस तरीके से भी बनता है प्रोडक्ट और ये भी बनता है, मतलब कि यहाँ देखिए जो पीएच है वो इस इन दोनों जगहों पे चला जा रहा है इस तरीके से, या फिर इन दोनों जगहों पे चला जा रहा है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका मैकेनिज्म ये है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये हमारा प्रोडक्ट अगर बन गया है तो ये खुल भी सकता है वापस से। ठीक है, ये हमारा खुल भी सकता है, ये वापस से इस तरीके से हो सकता है कि ये ऐसे जाए और ये इधर आए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से, जो कि यहाँ हमने दिखाया है आपको। ठीक है, या फिर केवल ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, ये इसकी शिफ्टिंग ना हुई हो, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमें, ये दोनों हमको मिल रहा है, किससे, इसके थ्रू मिल रहा है और इस तरीके से मिल रहा है। चार्ज इस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ चला जा रहा है, और इसमें केवल C डबल बॉन्ड O में पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है। जो रिंग हमारी वहां पे बनी थी फाइव मेंबर की, वो अगर टूट के वापस से यहाँ बॉन्ड बनाती है कुछ इस तरह के से। ठीक है, ये रिंग टूट के यहाँ बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ का फुलफिल हो गया, और यहाँ से टूट गया तो इस जगह पे यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सिक्स मेंबर बन गया क्योंकि वो रिंग टूट गई, तो फिर से सिक्स मेंबर ने बन गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1-2 पीएच शिफ्टिंग होती है। ठीक है, 1-2 पीएच की शिफ्टिंग देखिए 1-2 हो गया। ओके, यहाँ से पीएच हटके इस जगह पे चला गया, इधर चला गया, क्या होता है फिर, यहाँ से पीएच हटके इधर चला जाएगा तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका पीएच रिमूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से यहाँ दे देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो एच है वो आपका OH पे लग जाएगा, O माइनस जो यहाँ पे था वो ऐसे लग जाएगा। मतलब कहने का कि आपका 1-2 शिफ्टिंग पीएच का होगा और एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो एक ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा था, ये प्रोडक्ट किस तरीके से मिला, C डबल बॉन्ड O का जो आइसोमराइजेशन हो रहा था वो देखा हमने, उसी तरीके से मिला। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे देखिए, एक और चीज हो सकता है इसका, एक और चीज ये हो सकता है कि इसके बाद जो आपका ये बना, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये देखिए रिंग क्लोजिंग हो जा रही है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, रिंग क्लोजिंग हो जा रही है आपका, ये मतलब ये यहाँ से बॉन्ड टूट के इससे बॉन्डिंग बना ले रहा है और ये आपका बाहर निकल जा रहा है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज लग जा रहा है। ऐसा भी होता है, अगर हमारा कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है प्रोटिक सॉल्वेंट, तो एच मतलब उसका
नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक कर लेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट बहुत सारे बनते हैं इसमें। मान लीजिए ओ ए सी लेयर हमने, तो इस तरीके से देखिए, है ना। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें केवल सीओ वाले कार्बन पे है और ऑक्सीजन पे है। इस केस में भी ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ टूट के इधर बॉन्ड बनाएगा, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से आपका 1-2 pH शिफ्टिंग होगी। फिर से क्या होगा, 1-2 pH शिफ्टिंग होगी। 1-2 pH जब शिफ्टिंग होगी आपकी, ये pH यहाँ चला गया तो इस जगह पे फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा है वो हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के एरोमेटाइज कर लेगा, जैसा कि बिल्कुल उसमें हो रहा था। और हाइड्रोजन आपका ऊपर लग गया, ये देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। तो पीएचपी हमारा स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग हमारा ये था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और इसमें तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, ऑप्शंस में आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और लाइट के प्रेजेंस में और ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अगर ये तीन ऑप्शंस हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस इसी मैकेनिज्म से होता है। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसा भी कुछ बनता हुआ आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो ये भी सही है, क्योंकि हमने दिखाया है आपको कि ये चीज कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी बनता है, ये चीज भी सही है आपका, अगर ऐसा बन रहा है तो। या फिर आगे आप मान लीजिए कोई सॉल्वेंट यूज किए, प्रोटिक सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड या फिर एल्कोहल, आर ओ एच यूज किया आपने, तो इस तरीके से अटैक भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए बहुत सी चीजें इसमें हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड ओ एच है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं। ठीक है, कीटो इनॉल सिस्टम है, बिल्कुल वही चीज है। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका रिअरेंजमेंट था डाई इनोन का, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, कम से कम इसमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स इस तरीके से बन जा रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो मान लीजिए पूछ सकता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कर सकता है, तो आपको इसी तरीके से दे सकता है कि चार ऑप्शंस में कोई चार दिया हो या कोई एक नहीं दिया हो, तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है आंसर, जैसा ऑप्शन मिला हो इसमें। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिस्टम हो गया आपका, जो मैंने बताया ये पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। और इसमें जो मैंने बताया था कि ये जो आपका ज्विटर आयन बनता है माइनस प्लस का, इसका एविडेंस भी दिया गया था। एविडेंस देने का मतलब कि हम दूसरी किसी कंपाउंड से ये चीज बना दें। ठीक है, मतलब हमारे रिएक्शन में जो चीज हो रहा है, अगर हम बाहर से भी वही चीज बना देते हैं, तो वो चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि हमारे रिएक्शन में ये बन रहा होगा। जैसे कि अगर हम ये ले लें, ये बी आर है, ठीक है, इसी बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ बी आर है और हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एल डी ए ले लिया। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। एलडीए क्या करता है, एलडीए सीओ के बगल वाला हाइड्रोजन जो कि लेस हिंडर्ड है, उसको निकाल के इनोलेट फॉर्म करता है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसे लिख दें। ठीक है,
तो फिर क्या बनेगा आपका? ठीक है, ये बी आर है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आराम से ये लीव भी कर सकता है। ठीक है, जब लीव करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट हमारा डाई इनोन को लेके जब हमने एच न्यू की प्रेजेंस में इरेडिएट किया तो भी हमारा यही बन रहा था जिसको हम ग्लिटर आयन कह रहे थे। ठीक है, जो कि फर्दर आपका रीअरेंज करके ठीक है, ये बन रहा था 5 मेंबर ड्रिंक। तो हमारा लाइट से जो रिएक्शन हो रहा था वो ई मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा था। हम लाइट से ना करके केमिकल यूज करके, रिएजेंट यूज करके जब हमने एक्सटर्नली भी रिएक्शन कराया तो भी देखा कि हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है और उसका इंटरमीडिएट ये बन रहा है, ज्यूटेराइन जो आपका है। तो ये एविडेंस है ज्यूटेराइन का, ये प्रूफ है कि हमारे रिएक्शन के प्रोसेस में इसमें डिमोशन हो रहा होगा, उसमें ज्यूटेराइन बन रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये केस वन था जिसमें रिअरेंजमेंट हम करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब केस टू जो होगा वो आपका रिअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ गैस और नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, उस केस में ऐसा नहीं होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट वाले केस में ऐसा नहीं होगा, सिंपल रिअरेंजमेंट हो जाएगा। जितना भी तामझाम होता है सब सॉल्वेंट के ही प्रेजेंस में होता है। इस केस में क्या होगा आपका? कुछ कुछ वही डाईपाई टाइप का लगता है रिएक्शन। इस तरीके से अगर हो तो क्या होगा? साइक्लाइजेशन हो जाएगा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ये टूटेगा आपका। ठीक है, इवनली टूटेगा आपका ये, ऐसे और ऐसे। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक रेडिकल इस पर आएगा, जब इस पर रेडिकल आएगा तो वो आपका डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसे, और एक तो लेके ये ऐसे निकल आएगा, है ना? एक रेडिकल जो छोड़ देगा और एक रेडिकल वहां पे डबल बना बना लेगा डबल बॉन्ड, और ये आपका साइक्लाइज कर जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं होना है, ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी दिस लाइन पे। ठीक है, ये आपका कब होगा? ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा रिएक्शन आपका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, फोटो रीअरेंजमेंट, दैट इज बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अभी तक हमने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का देखा, सिंपली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का देखा, फिर हमने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डाई की मतलब डाई इनोन का देखा, जिसमें दोनों ही साइड आपका डबल बॉन्ड था। ठीक
ठीक है। लाइन वाइज हमने पहले 5-मेंबर्ड का पढ़ा, वो भी सिंगल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। फिर हमने हेक्सेन मतलब हेक्सिनोन का पढ़ा, वैसा हेक्सिनोन जिसमें केवल एक ही तरफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड था कीटोन के साथ। उसके बाद फिर क्या पढ़ा, फिर हमने डाई इनोन पढ़ा, हेक्सिनोन में ही डाई इनोन, हेक्स डाई इनोन, जिसमें कि डबल आपका बॉन्ड जो था वो दो था, दोनों रिंग की तरफ था। अब ये जो रीअरेंजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट के पर्पज से भी और भी कॉम्पिटिशन जो हम लोग देते हैं आईओ का जो देते हैं फॉर जिसमें कि एमएससी पूछता, एमएससी आपका वो रहता है एलिजिबिलिटी क्वेश्चन जिसमें एमएससी मांगता है, वैसे भी एग्जाम होते हैं, गेट होता है और भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं। यहाँ का नहीं पता लेकिन यूपी में हम लोग देते हैं ना जीआईसी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज का, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, वहाँ एग्जाम एग्जाम्स होते हैं, रिटन पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, तो उन सबों में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तो मेरिट बेस होता है लेकिन वहाँ एग्जाम्स हो देने होते हैं फोटो रीअरेंज, तो उस पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये प्रॉब्लम आते हैं आपके नेट में भी आ सकते हैं। बीटा गामा अनसैचुरेटेड ये कीटोन, इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, पहला क्या है 1,2-असाइल शिफ्ट, ठीक है, और दूसरा होता है 1,3-असाइल शिफ्ट। जो 1,2-असाइल शिफ्ट है आपका वो इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन में सबसे बड़ी दो चीज पढ़ेंगे, दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक आपका 1,2-असाइल शिफ्ट है, दूसरा आपका 1,3-असाइल शिफ्ट है। 1,2-असाइल शिफ्ट के लिए सेंसिटाइजर यूज होता, मतलब यही एक पहचान ही है, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट रहेंगे ना वो दोनों एक जैसे लगेंगे। हम अगर 1,2-असाइल शिफ्ट की बात करें या 1,3-असाइल शिफ्ट की बात करें, दोनों के जो सबस्ट्रेट हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो अगर बस इतना है पहचानने के लिए कि अगर हम सेंसिटाइजर यूज कर रहे हैं तो आपका 1,2-असाइल शिफ्ट जाएगा, अगर हम डायरेक्ट इरेडिएशन कर रहे हैं विदाउट एनी सेंसिटाइजर तब हमारा रिएक्शन 1,3-असाइल शिफ्ट जाएगा। ठीक है, और जहां सेंसिटाइजर यूज होगा वहां क्या होगा, वहां सिंगलेट स्टेट से नहीं, वहां ट्रिपलेट स्टेट से रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि सेंसिटाइजर मतलब मैंने ये पहले बता चुकी हूँ मैं आपको पहले वाले क्लासेस में कि सेंसिटाइजर क्या करता है, जहां हम लोग सेंसिटाइजर यूज करते हैं वहां लाइट का जो डायरेक्ट एनर्जी लेता है वो सेंसिटाइजर लेता है, वो आपका रिएक्टेंट सब्सट्रेट नहीं लेता, वो आपका सेंसिटाइजर लेता है। ठीक है, फिर सेंसिटाइजर उस एनर्जी को डोनेट करता है किसको, हमारा जो ये सब्सट्रेट है जो हमको जिसकी जिससे रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसका, जिस जब हम लोग सेंसिटाइजर यूज करते हैं, और जो सेंसिटाइजर यूज करते हैं तो उस केस में जितने कीटोन्स हम लोग यूज करते हैं जनरली सेंसिटाइजर के रूप में, ये तो डाला था इसमें, ठीक है, इस तरीके से दोनों रेडिकल बना लेंगे आपके, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ वाले। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपके ये साइक्लाइज कर जाएंगे इस तरीके से, इसका मैकेनिज्म तो हम बता ही दे रहे हैं लेकिन इसके बाद एक आसान सा तरीका भी है जिसके जिससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। देखिए, ये हमने ये कर दिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये खुलेगा,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये खुलेगा और देखिए ये वाला बॉन्ड टूटे कि ये वाला बॉन्ड टूटे, समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड टूटे कि ये वाला बॉन्ड टूटे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे रेडिकल आएगा और एक इस पे रेडिकल आएगा, देखिए भी समझाते हैं फिर। इसी तरीके से डाईपाई रीअरेंजमेंट भी है जिसके मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कुछ है वो भी, उसका मैकेनिज्म भी कुछ इसी तरीके से जाता है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, ठीक है, तो जो रेडिकल यहाँ बनेगा वो दोनों मिलके आपका यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इस तरीके से, ठीक है, और जो रेडिकल इस पे बनेगा वो हम यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब ये देखो खुल गया, ये रिंग आपकी जो थी वो खुल गई। ऐसा क्यों किया हमने, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता था, ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता था, ये वाला अगर बॉन्ड टूटता तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता और ये आपका आर आर रेडिकल वाला इस साइड इस बॉन्ड पे लिंक होता अभी तक। तो हम लोग वही बॉन्ड को खोलते हैं जो स्टेबल रेडिकल दे खुलने के बाद, ठीक है, जो मतलब रिएक्शन थोड़ा रुके, थोड़ा ठहरे, और वो कब होगा जब जो जितना स्टेबल होगा, स्टेबल फॉर्मेशन जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू अनस्टेबल। तो इस केस में देखिए हमारा जो ये पीएच पीएच डाई रेडिकल है, माने जो पीएच पीएच का यहाँ रेडिकल, ये बहुत स्टेबल है और ये ऐसे स्टेबल रह सकता है, ठीक है, इट इज नॉट रिएक्टिव, ये बहुत स्टेबल है, इसीलिए आपका ये बॉन्ड ब्रेक करता है। क्यों ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वाला आर आर भी रेडिकल में फॉर्म हुआ, ये पहले से रेडिकल में था तो ये स्टेबल है, तो ये इसमें थम सकता है, थोड़ी देर स्टे कर सकता है रिएक्शन को होने के लिए, दैट इज वाई। तो हमें ये देखना है कि स्टेबल रेडिकल जो फॉर्म होता है उसी साइड आपका, मतलब उसके अपोजिट साइड, अगर ये स्टेबल रेडिकल बन रहा है तो उसके अपोजिट वाला जो बॉन्ड था रिंग का वो ब्रेक किया, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपस में रिसाइक्लाइज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये यही इसका प्रोडक्ट बना, यहां से देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस कोने पे आर आर लगा रहेगा, इस कोने पे पीएच लगा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 1:1 असाइल शिफ्ट क्यों कहते हैं, अगर जरा देखें ये हमारा असाइल है, ठीक है, इसको हम असाइल कहेंगे, सीओ है असाइल कहेंगे। तो अगर ऐसा मान ले कि ये असाइल आपका इस जिस पर जुड़ा है वो कार्बन नंबर 1 है, उसके बाद ये कहाँ चला जा रहा है, कार्बन नंबर 2 पे चला जा रहा है। इन देखिए हम आपको मैकेनिज्म बता दिए हैं, लेकिन अब 1:2 असाइल शिफ्ट है, इसको शॉर्ट में अगर समझना है तो कैसे समझेंगे, कैसे इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो जिस कार्बन पे असाइल लगा है उस कार्बन को हम 1 कहेंगे, उसके बगल वाला कार्बन 2 हो जाएगा, तो हमारा ये जो पूरा असाइल है ये यहाँ से निकल के सेकेंड वाले कार्बन पे जाके जुड़ जा रहा है, इसीलिए इसको हम 1:2 असाइल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। अगर इन शॉर्ट इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए पीएच पीएच आर आर, ये मान लीजिए कि टूट गया, ठीक है, सीओ पीएच रेडिकल टूट के इस पर आ गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपका ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएगा एक तरह से कहो तो, ठीक है, और ये यहां से निकलेगा तो यहाँ पे भी रेडिकल बन जाएगा इस तरीके से, समझ में आ रही है मेरी बात, ये यहां से निकलेगा तो इस पे रेडिकल छोड़ देगा, एक खुद लिया रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी आपका इस तरीके से रेडिकल रेडिकल में फॉर्म होगा, तो ये जो सीओ है वो आके इस रेडिकल से जुड़ के यहाँ बॉन्ड बना लेगा, बचा क्या आपका, ये दोनों रेडिकल जो कि आपके साइक्लाइज कर जाएंगे इस प्रकार, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है ये चीज। 1:2 असाइल शिफ्ट में अगर शॉर्ट में हमको देखना है समझना है तो पहली चीज तो ये आपका देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है, तो बीटा गामा इज अनसेचुरेटेड,
ठीक है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो ये तो रहा इसका मैकेनिज्म। इन शॉर्ट अगर हमें ये करना है रिएक्शन को, और सेंसिटाइजर यूज हो रहा है और बीटा गामा पोजीशन इज अनसेचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट है, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है हमको, एसाइल वाले को सेकंड पे शिफ्ट कर देना है। सेकंड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां की रेडिकल इस तरीके से बच जाएगी, और जो बचे हुए उनको क्या कर देना है, साइक्लाइज कर देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। एक क्वेश्चन लगाते हैं इसके बेस्ड। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, हम इसको रब कर दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम देते हैं इस पे, और ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपका 1-3 भी हो जाएगा। वही मैंने कहा ना कि आपके जो सबस्ट्रेट है वो सेम रहते हैं, सबस्ट्रेट में कोई अंतर नहीं आता है। इस तरीके से प्रॉब्लम पूछेगा। क्या समझ में आ रहा है इसमें आप लोगों को? देखिए पहली चीज, ये COCH3 ही आपका क्या है, असाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा। तो इसको देख के ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन है आपका, प्लस लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सेंसिटाइजर यूज हो रहा है, तो ये आपका 1-2 असाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था क्या होता है, ये COCH3 जिस कार्बन पे जुड़ा है उसको हम अगर 1 कहें और उसके बगल वाले को 2 कहें जहां पे अनसेचुरेशन है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये COCH3 इस तरीके से निकल गया, ठीक है, निकल गया और यहां यहां ये डबल बॉन्ड जो है इस तरीके से रेडिकल में दिख रहा है हमको, ठीक है, तो क्या होगा, ये COCH3 इससे जाके जुड़ जाएगा और जहां से निकला वहां पे रेडिकल एक छोड़ के जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से कार्बन नंबर 1 से निकला वहां पे एक रेडिकल बचा हुआ है, और बाकी सेकंड थर्ड जो आपके कार्बन थे ये दोनों इस तरीके से रेडिकल देंगे, ये आके सेकंड वाले पे जुड़ जाएगा। इसको देखिए मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बता रहे हैं, ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, और ये जो बचे हुए रेडिकल हैं वो क्या कर जाएंगे, वो साइक्लाइज कर जाएंगे लाइक दिस, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो सिंपल है, फोटोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन इतने सारे हैं और इतने सारे अलग अलग रूल्स हैं हर किसी के लिए कि प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे इसके, और इसके रूल्स बार बार देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाके ये आपको माइंड में फिट होगा कि कैसे कैसे क्या होना है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन में। पहली चीज तो 1-2 असाइल शिफ्ट में साइक्लाइजेशन हो जाता है, जो बचे हुए रेडिकल आपको दिखते हैं इस तरीके से प्रोपीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम आप चाहे तो मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज इन शॉर्ट तरीके से हमने बता दिया कि 1 पोजीशन से हटके आपका सेकेंड पोजीशन पे चला जाता है, जहां जाता है उसके बाद जो रेडिकल बचते हैं वो आपस में साइक्लाइज कर जाते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया 1-2 असाइल शिफ्ट। ठीक है, इसको ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ऑक्सा डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट। हमने कहा था आपको कि डाइपाई मिथेन रीअरेंजमेंट के तरह ही इसका मैकेनिज्म है,
तो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट जब पढ़ेंगे तो इसका जो मैकेनिज्म है बिल्कुल डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट की तरह ही है। वो अलग बात है कि हम लोग शॉर्ट तरीके से इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू 1,3-acyl shift। 1,3-acyl shift के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, वो डायरेक्ट इरेडिएशन पे होता है, उसमें हमें सेंसिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबस्ट्रेट बिल्कुल सेम होता है, मैंने कहा आपको, हमें ये ध्यान देना है कि हमको जो कंडीशंस दी गई हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन व्हेन अंडरगोज डायरेक्ट इरेडिएशन गिव्स 1,3-acyl shift रीअरेंजमेंट, ठीक है। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। 1,2-acyl shift हम लोगों ने जो पढ़ा उसके लिए कंडीशन यही था कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन व्हेन अंडरगोज सेंसिटाइज्ड इरेडिएशन देन इट विल गिव 1,2-acyl shift, ठीक है। और 1,3 के लिए क्या है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन व्हेन अंडरगोज डायरेक्ट इरेडिएशन गिव्स 1,3-acyl shift रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पढ़े होंगे, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जैसे हम लोगों ने 1,3 shift पढ़ा है ना, उसमें बिल्कुल वही चीज है। इसमें डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हैं, किसी सेंसिटाइजर की जरूरत नहीं है इसमें। और हम लोग जो सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट पढ़ते थे कैसे रहता था, वो 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग करते थे हम लोग। पेन ही जाने क्या हो गया है। ऐसे 1, 2, 3 नंबरिंग करते थे, है ना। और जो कार्बन 1 पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता था वो आपका 3 पे शिफ्ट हो जाता था और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता था। ये मैकेनिज्म 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का था, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में देखा है हम लोगों ने, वही चीज यहाँ पे भी होता है, यही मैकेनिज्म ही है लगभग इसका, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इरेडिएशन होता है, तो सिंगलेट या ट्रिपलेट जो भी इरेडिएशन करने पे स्टेट बना हो, सिंगलेट या ट्रिपलेट, उससे आपका रिएक्शन होता है। CH3CO रेडिकल टूट जाता है, ठीक है। बचा क्या, CRR CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपका यहां से ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद हमको इस तरीके से असाइल रेडिकल अलग हो गए, और बाकी ये इस तरीके से अलग हो गए आपके, और ये रेडिकल पेयर होते हैं, ये रेडिकल पेयर होते हैं, ठीक है। क्या होगा फिर, ये देखिए, ये तुरंत स्टेबलाइज एलाइल ग्रुप है, ये रेडिकल इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, समझ आ रहा है सबको, ये यहाँ पे रेडिकल का रीअरेंजमेंट हो गया है, प्लस CH3CO रेडिकल जो पहले से प्रेजेंट था हमारे पास, है ना। अब ये जाके इससे कंबाइन कर लेगा, CRR डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट है। 1,3-acyl shift का प्रोडक्ट है। तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की तरह है जो हम लोगों ने पढ़ा है। डायरेक्टली हम लोग इसमें इरेडिएशन कर रहे हैं, और उसके बाद सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेट, जिस स्टेट में भी आपका रिएक्टेंट पहुंचा है, वो ब्रेक करेगा एसाइल ग्रुप, और जो एलाइल का रेडिकल बन रहा है, सेकेंड आपका एलाइल रेडिकल बन रहा है, वो रीअरेंज कर जाएगा। उसके रीअरेंज करने पे आपका रेडिकल पेयर उस पर अटैक कर ले रहा है, और इस तरीके से 1,3 shifting हो जा रही है। हमने बताया कि हमने नंबरिंग दिया इस तरीके से, जिस जिस कार्बन पे CO एसाइल ग्रुप लगा हुआ है,
जिस कार्बन पे एसआईएल ग्रुप लगा है उसको हम वन नंबरिंग देते हैं, तो 1, 2, 3, तो ये वन पोजीशन से हटके 3 पोजीशन पे लग जा रहा है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस 1, 3 एसाइल शिफ्ट। ओके, तो एक प्रॉब्लम इसका भी है, मैंने कहा था लगभग सेम दिखते हैं आपके जो रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमें कराना है। इसमें देखिए जहाँ COCl3 जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, और जो डबल बॉन्ड है वो आपके बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन है, इसमें कोई सेंसिटाइजर नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट इरेडिएशन करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है फिर, इसमें क्या होगा? ये बहुत सिंपल है, ये जिस कार्बन पे जुड़ा है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका। COCl3 यहाँ से हटके इस पे लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटके इस पे लग जाएगा, अगर हम सीधे प्रोजेक्ट ही बना दें। तो इसका मैकेनिज्म हमको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो सीधे बन जा रहा है इस तरीके से। अगर इससे प्रॉब्लम्स मिलते हैं हमें तो असाइनमेंट जरूर देंगे। एक प्रॉब्लम ये भी है,